40 की उम्र के बाद हर किसी व्यक्ति को, अर्थात महिला हो या पुरुष, दोनों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन की पूर्ति नहीं होती है तो काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। रोज़मर्रा के भोजन से प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण पैर दुखना, रीढ़ की हड्डी दुखना, कमर दर्द होना और सिर दर्द होना, और काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है यू सात्वी चैनल पे। आज मैं आपको भुने हुए देसी चने और देसी गुड़ के फायदे बताऊंगा, जिससे आप अपनी काफ़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। स्टेप 1, अगर आप रोज़ सुबह उठ के भुने हुए देसी चने और देसी गुड़ खाते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को प्रोटीन मिलेगा और आपकी रीढ़ की हड्डी दुखना बंद हो जाएगी। स्टेप 2, महिलाओं को, काफ़ी महिलाएं हैं जिनके पैर दुखते हैं, जांघें दुखती हैं, उनको काफ़ी कमजोरी महसूस होती है। यह 40 की उम्र के बाद हर महिलाओं में पाया जाएगा कि उनको काफ़ी कमजोरी होती है और उनके पैर दुखते हैं। वो समस्या नॉर्मली आपको महिलाओं में दिखेगी। उससे छुटकारा पाने के लिए देसी भुने हुए चने और देसी गुड़ अगर रोज़ाना आप खाते हैं तो आपको 3 दिन में फ़र्क दिखने लगेगा और आपके पैर दुखना बंद हो जाएंगे, जिससे आपको पैरों की बीमारी से काफ़ी छुटकारा मिलेगा। स्टेप 3, आपने पहले के लोगों को देखा होगा कि कोई भी मेहमान या कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है घर में तो उसे पानी और देसी गुड़ दिया जाता था। उसके पीछे का कारण ये है कि देसी गुड़ खाने से थकान उतर जाती है। इसीलिए आप अगर रोज़ सुबह भुने हुए देसी चने और देसी गुड़ खाते हैं तो आपको पूरे दिन में कभी थकान महसूस नहीं होगी और आप में एनर्जी बनी रहेगी। स्टेप 4, काफ़ी लोगों को कमजोरी महसूस होती है या कमज़ोर हो जाते हैं तो उन लोगों को काफ़ी लोग नॉनवेज खाने का कहते हैं, पर नॉनवेज खाने से आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। उससे अच्छा आप चने, भुने हुए चने और देसी गुड़ खाइए। नॉनवेज से 3 गुना प्रोटीन भुने हुए देसी चने में और गुड़ में होता है, जिससे आपको काफ़ी प्रोटीन मिलेगा और आपको वर्कआउट में भी सहायक होगा। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। राम राम दोस्तों।